नमस्कार, मैं गया बोध गया से राजेश कुमार। हम इस वक्त बोध गया के मेन्स जो मार्ग है गया से डोभी एनएच को जोड़ती है कोलकाता बनारस की ये सड़कें जाती हैं। हम आपको दिखा दें कि ये गया से ये सीधे डोभी की ओर जाती है, ये झारखंड और कोलकाता रांची ये मेन रास्ता है। या इस चौराहे पर आज हम खड़े हैं। गाड़ियाँ थोड़ी बहुत चल रही है, जो सरकार के गाइडलाइन है उसके अनुकूल गाड़ियाँ चलाई जा रही है। गाड़ियाँ हम दिखा दें कि बोध गया के जो सड़कें जो तमाम सड़कों पर गाड़ियाँ चल रही है, जो लोडेड गाड़ियाँ हैं ये हाल चौराहे के बीच अभी हम खड़े हैं। यहाँ पर ट्रैफिक थाना की भी व्यवस्था की गई है, पुलिस जगह जगह पुलिस को रोक रही है। यहाँ पर सुरक्षा का कड़ी इंतजाम किया गया, सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम है। जिला प्रशासन और राज्य सरकार के द्वारा जो दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं उसे बखूबी पालन करवाए जा रहे हैं। कोरोना जांच रिपोर्ट का आज जो टेस्टिंग हुई है गया बोध गया प्रखंड में जो स्वास्थ्य केंद्र है, बोध गया चुके एक अंतर्राष्ट्रीय जगह है, यहाँ पे भी स्पेशल जांच होती है। आज 104 लोगों की जांच की गई है, जिसमें 3 व्यक्ति पॉजिटिव पाया गया है। ये लगातार आंकड़े जो हैं अब घट रहे हैं बोध गया में, चूँकि बोध गया में गया जिला का सबसे कहीं अधिक आंकड़े बढ़ रहे थे तो वो बोध गया में इतने अधिक आंकड़े बढ़ रहे थे कि लगभग 150 जब जांच हो रही थी 162-163 जांच हो रही थी। और जो जैसा कि अभी का आज को जो रिपोर्ट आया उसमें मात्र 104 में 3 पॉजिटिव पाए गए हैं। लेकिन लॉकडाउन का जो असर है वो सड़कों पर हम देख रहे हैं कि सड़कों पर पूरी तरह से लॉकडाउन दिख रही है। एका दुका गाड़ियाँ चल रही है, जो इमरजेंसी में है जिनको आना जाना है सिर्फ वही सड़कों पर नज़र आ रहे हैं। क्योंकि जो घर में जो लोग हैं, जो गांव के या शहर के जो लोग हैं, वो भी अब दहशत में है। वो भी दहशत इसलिए है कि मृत्यु दर बढ़ने लगी है। जो मरने वालों की जो संख्या बढ़ रही थी वो लगातार इजाफा हो रहा है, जिसके कारण लोग अपने अपने घरों से निकलना बंद कर दिए। चूँकि डर लोगों में यह समा गया कि शहरों में जिस प्रकार मौतें हो रही है, जिस प्रकार ऑक्सीजन की दिक्कतें हो रही, ये सभी अब आम जनता पर ये दिलो दिमाग में ये हावी हो गया। और आम पब्लिक भी ये समझने लगी है कि घर से बाहर जाना तो वो खतरा से खाली नहीं है। अब कोरोना जैसे बीमारी का कहीं प्रकोप उनके घर में पड़ी तो पूरा परिवार चिंता में डूब जाएंगे। तो हालात जो बिगड़ रही थी शायद वो धीरे धीरे पटरे पर आने लगी। और वर्तमान दौर को जो हालात है, जो लॉकडाउन लगी है, वो बखूबी पालन करवाई जा रही है। मैं गया बोध गया राजेश कुमार।